ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिद ही मस्जिद है, मंदिर भी है। देखिए आप देख सकते हैं ये मंदिर भी रोड के किनारे, जहाँ पे ये लेटे हुए हैं वहीं पे साथ में कुत्ते भी बैठे हुए हैं। सो हे एवरीवन, घड़ी में बज गए शाम के 6 और आपकी स्क्रीन पे आ गया हूँ मैं यानी कैफ यमान। स्वागत है आप सभी को एक नया व्लॉग में। यार आज मुझे बहुत सारे काम है, मुझे मुर्गे का गोश्त चाहिए है, मुझे बकरे का गोश्त चाहिए है और मुझे चाहिए है कुर्ते का कपड़ा अपने अब्बा के लिए, क्योंकि मेरे पापा और इस्लाम उम्रा करके लौट रहे हैं। तो सबसे पहले कुर्ते का कपड़ा ले लेते हैं चल के आपके साथ, फिर उसके बाद गोश्त ले लेते हैं, फिर टमाटर भी तो चाहिए है जो कि सस्ता हो गया अब। तो बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में, चलिए आइए सबसे पहले चलते हैं कुर्ते का कपड़ा लेने। तो हम मौजूद हैं अपने ही मोहल्ले के पीछे वाली गलियों में, ये गलियाँ सीधे निकल के जाती हैं बाबा हज़ारा बाग। आपने बाबा हज़ारा बाग का नाम शायद पहले नहीं सुना होगा, इतना मशहूर एरिया नहीं है। लखनऊ के रहने वाले लोगों ने सुना होगा लेकिन बाहर के रहने वालों ने नहीं सुना होगा। तो ये वही गलियाँ हैं जहाँ पे बचपन में अमरूद वगैरह हम लोग तोड़ा करते थे। तो सबसे पहले चलते हैं कुर्ते की कपड़े की दुकान पे जो कि यहीं नज़दीक है, ये ले चलते हैं आपको साथ ही साथ। ये देखिए तो हम आ चुके हैं एकदम मैरिज महल के पास, ये है बाबा हज़ारा बाग यही कहलाता है और कुर्ते के कपड़े की दुकानें वहाँ सामने वाले हैं। और ये एक खूबसूरत सी मस्जिद आप देख सकते हैं प्यारी सी, और ये बॉम्बे कट पीस, जी हाँ इन्हीं वहाँ से या फिर आगे वाले से कुर्ते का कपड़ा हम ले लेंगे। ये लड़का सन्नाटे में बैठा है और इसी से हम कुर्ते का कपड़ा लेंगे। तो दोस्तों हम सीधा आ चुके हैं बाबा हज़ारा बाग में, जिस दुकान का मैं जिक्र कर रहा था ये भाई यहाँ पे मौजूद है, इनसे मैं लेने जा रहा हूँ अपने अब्बा के लिए कुर्ते का कपड़ा। तो भैया जल्दी से निकालो उस्ताद, ये वाला कलर दे दो मेरे, हाँ ये कलर हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, निकालो। या स्लेटी कलर है क्या, कहाँ है स्लेटी, हाँ ये दे लो, क्या रेट है बताओ ये पहले। तो फाइनली सौदा हो चुका है, मैंने ये वाला कपड़ा ले लिया है दोस्तों, अच्छा लग रहा है मेहंदी कलर और ये पूरा बैठ रहा है लमसम 5 मीटर के करीब। तो आइए जल्दी से लेके इनको पैसे दे के फिर निकलते हैं, दूसरे काम भी करते हैं आपके साथ। तो फाइनली मैंने कुर्ते का कपड़ा ले लिया है। अगर बाबा हज़ारा बाग की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ भी सब कुछ मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मस्जिदें ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत खूबसूरत, एक छोटी मस्जिद आप ये भी देख सकते हैं रोड पर एकदम, और यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी आपको, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे वो औरतों लेडीज़ की सूट की बात की जाए, चाहे फिर वो कॉस्मेटिक की बात की जाए, या फिर आप किसी चीज़ में सलून में आ जाइए, या फिर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और जितने भी हार्डवेयर वगैरह हैं, या फिर जेंट्स कपड़ों की बात की जाए तो बहुत सारी दुकानें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, वेल्डिंग की दुकानें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, मतलब सब कुछ है। SMS फैशन हब ये भी, और इधर ये देखिए हार्डवेयर की शॉप भी देखने को मिलेगी। तो मतलब बाबा हज़ारा बाग भी पूरा कंप्लीट तैयार है समझ लिए एरिया, कहीं जाने की ज़रूरत होती नहीं है यहाँ से। ये मार्केट आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है और कितनी सारी दुकानें इसमें खुली हैं और कितनी बंद भी हैं, वो भी बाद में खुलेंगी। और ये वो ग्राउंड आ गया बाबा हज़ारा बाग का, जहाँ पर नाइट मैच चल रहा था, मैं कॉमेंट्री कर रहा था। तो फिलहाल बाबा हज़ारा बाग इतना ही है, यही मार्केट इतनी बड़ी है, बाकी एरिया तो गलियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन मार्केट बाबा हज़ारा बाग की यही थी। हमारे शहर लखनऊ, हमारे मोहल्ले की खास बात ये है कि हमारे यहाँ जगह जगह आपको मस्जिदें माशाल्लाह बहुत देखने को मिलेंगी। एक गली के अंदर ये मस्जिद देखिए, यहाँ मैंने बहुत सारी नमाजें पढ़ी हैं और काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह ये भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिद ही मस्जिद है, मंदिर भी है। देखिए आप देख सकते हैं ये मंदिर भी रोड के किनारे। तो बाबा हज़ारा बाग आपने देख लिया, क्योंकि बाबा हज़ारा बाग में सिर्फ इतना ही था और अब टाइम है मुर्गे का गोश्त लेने का, फिर उसके बाद टाइम है बकरे का गोश्त लेने का। तो सबसे पहले चलते हैं मुर्गे का गोश्त ले लेते हैं। तो मुर्गे के गोश्त की दुकान आ चुकी है बिस्मिल्लाह मीट शॉप, ये आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है, उसके ऊपर मुर्गा भी बना हुआ है और बाहर कुत्ते भी बैठे हुए हैं गोश्त की दुकान के बाहर। भैया गोश्त है। तो फाइनली दो काम तो हो चुके हैं, गोश्त ले लिया मुर्गे का और कुर्ते का कपड़ा ले लिया, अब टाइम है बकरे का गोश्त लेने का। तो चलते हैं बकरे के गोश्त की दुकान की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर मुर्गे के गोश्त की बात किया जाए तो आज का रेट है मुर्गे के गोश्त का 180 रुपये किलो, और बहुत तेज़ी से रेट बढ़ रहा है जिसकी वजह से मोहल्ले की दो दुकानें तो मुर्गे के गोश्त की बंद ही थी महंगाई की वजह से, एक दुकान खुली हुई थी तो मैंने फ़ौरन वहाँ से गोश्त लिया। अब चलते हैं बकरे के गोश्त की तरफ। तो बकरे की गोश्त की दुकान वो बैठे हुए हैं हमारे भाई साहब, और सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और गोश्त। भैया 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 मालिक। तो ये रही बकरे के गोश्त की दुकान, देखिए किस तरह से लोग आवाज़ दे दे के बुलाते हैं, और ये क्या दिखा क्या रहे दिए गोश्त।
तो बकरे का गोश्त भी ले लिया दोस्तों, मुर्गे का हो गया, बकरे का हो गया, कुर्ते का कपड़ा हो गया। अब टाइम है टमाटर लेने का, तो टमाटर लेने के लिए जाना पड़ेगा हमें मंडी, तो मंडी की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे करके, और टमाटर के रेट भी देख लेते हैं आखिर क्या रेट पहुँचे हैं, टमाटर लेना कितना है टमाटर ये भी तो नहीं पता, लेकिन चलिए आइए पहले पहुँचते हैं टमाटर की तरफ। तो एक बार हम फिर आ चुके हैं अपनी पुरानी दुकान। भैया आज टमाटर क्या रेट है? हम 80 रुपये, गलत बात नहीं, आज तुम गलत बात कर रहे हो उस्ताद, तुम 20 रुपये तुमने पूरे बढ़ा दिए ईमानदारी से। हाँ अब यार बताओ यार उस्ताद, सिफारिश करो यार। अच्छा 80 रुपये नहीं बिक रहा है? लाचा 250 ग्राम लगाओ, देखे जरा कितना हो रहा है, 250 ग्राम तोलो जरा, अभी पता चल जाएगा अगर ज्यादा रेट हुए तो पब्लिक यार बता देगी हमें। कौन दे रहा है? हाँ देखे कितना है पहले दिखाओ, मैं क्या पीस चढ़े 4 सही दो, वो टमाटर सही नहीं लग रहा है, पूछना पड़ेगा यार कितना चाहिए। हाँ तो यार टमाटर इन्होंने 100 रुपये किलो दिए हैं मुझे, आप कमेंट करके बताओ आपके शहर में टमाटर क्या रेट है और क्या इन्होंने मुझे सही दिए हैं कि नहीं दिए हैं। और इनका नाम है अर्जुन कश्यप, एक अर्जुन पंडित थे सनी देवल, और ये अर्जुन कश्यप हैं, तो ईमानदारी से बताइए क्या इन्होंने सही दिए कि गलत दिया। तो ये रहे मेरे लाल लाल टमाटर। तो फाइनली अब सब कुछ पूरा हो चुका है, अब टाइम है घर चलने का। अरे आ जाओ भैया मेरे हाथ में ये लगा। तो यार मैंने सारे काम अपने निपटा लिए हैं जितने भी काम थे मेरे, और अब सीधा घर चलते हैं, खाना खाते हैं, भूख बहुत तेज़ लगी हुई है और आज धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है यार। तो ये बड़ा जुल्म हो रहा है बकरी के बच्चे के साथ, तीन तीन लोग मिलके एक बकरी के बच्चे पे जुल्म कर रहे हैं। वे तुम्हारे बना दुकान का है बंद की है? काहे मार रहा है चारों को उठा के बंद कर दूंगा, बताए दे रहा हूँ। हाँ तो ये रही वो मुर्गे की दुकान जो बंद थी। तो यार अब टाइम है दुकान का कुछ सामान लाने का, तो मैं जा रहा हूँ रकाबगंज मंडी और वहाँ से कुछ मुझे चीज़ें लेनी है, काजू और किशमिश दुकान के लिए, तो मैं वो लेने जा रहा हूँ। तो आओ चलो तुम्हें भी लेके चलते हैं साथ में, दिखाते हैं कि कैसे होती है ख़रीदारी। तो हम सीधे रकाबगंज मंडी आ चुके हैं, यहाँ गाड़ी लगाने की बहुत ज़्यादा भसड़ रहती है, फिलहाल मेरा काम हो गया, मैंने गाड़ी लगा दी अपनी यहाँ पर, और ये वो दुकान है जहाँ से मुझे सामान लेना है। तो आइए चलिए पहले सामान ले लेते हैं इस दुकान से। तो यार मैंने आधा काम तो कर लिया, मतलब जो सामान था दुकान का वो ले लिया, अब तो अंधेरा भी होने लगा, सामान गाड़ी आगे गाड़ी में रखा हुआ है, और अब एक और काम है उसको निपटाने में आ चुके हैं। ऐश बाग की गलियों में, मतलब एक पॉश एरिया में, मतलब एक कॉलोनी में, अच्छी दिखाता हूँ मैं। तो सामान मेरी गाड़ी में रखा हुआ है, कुछ पापड़ हैं और नीचे गत्ते में काजू किशमिश है, और मैं हूँ इस वक्त ऐश बाग की एक कॉलोनी में, पॉश कॉलोनी में। यहाँ पे पार्क भी है और यहाँ पे दो पार्क है, और यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने का सामान भी रखा है, और हमें यहीं पे ही काम है। हमें दरअसल लेने जाना है एक के घर पे कुछ सामान, तो पहले तो उनका घर ढूंढेंगे और फिर उसके बाद लेंगे सामान, लेकिन उससे पहले हमको रास्ता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही रास्ता है, और काफ़ी जगमगा रहा है ये एरिया, आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ से, कॉमेंट करो। और पिछली बार मैंने ऐश बाग कह दिया था, दरअसल मेरी आदत है ऐश बाग बोलने की, और हकीकत मानो में अगर इस एरिया का नाम है तो ऐश बाग है। फिलहाल तो जल्दी से मैं वो भी अपना काम निपटा देता हूँ। तो दोस्तों रात हो चुकी है, मैं निकल रहा था यहाँ से तो मुझे कुछ ऐसे लोग भी मिले यार, क्या ज़िंदगी है इनकी देखो यार, जहाँ पे ये लेटे हुए हैं वहीं पे साथ में कुत्ते भी बैठे हुए हैं। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी पे हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हम लोगों को बहुत अच्छी ज़िंदगी अता की है। तो दोस्तों लखनऊ पे लगा था सावन महोत्सव और मुझे पता ही नहीं चला, अभी जब मैं गुजर रहा था तो मेरी नज़र पड़ी यहाँ डालीगंज के पास, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सजाया भाई इन लोगों ने, एक नज़र मार लेते हैं थोड़ा सा अंदर, तो क्या ही करेंगे जाके क्योंकि रात के इस वक्त बजे 10:30 के करीब, लेकिन सजाया बहुत ज़बरदस्त है यार, बहुत ही कर्रा बहुत ही शानदार सजा दिया भाई, मतलब क्या ही बता रहे, ज़बरदस्त सजा दिया भाई इन्होंने तो यार। दूर से तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, अभी आपको दूर से दिखाते चल के। तो दोस्तों दूर से कुछ यूं दिखाई दे रहा है जिस जो अभी मैंने आपको नीचे से दिखाया, बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, कैमरे में इतना समझ में नहीं आ रहा है लेकिन वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है।
तो दोस्तों अब वक्त है इस व्लॉग को ख़त्म करने का। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा व्लॉग में। आज सारे काम भी निपटा दिए और ये जो सावन महोत्सव लगा हुआ था इसको देख के मैं बहुत हैरान हो गया। और आप एक बार ज़रूर आ जाइएगा अगर बचा रहा तो, क्योंकि बहुत ही अच्छी लाइटिंग और बहुत ही अच्छी सजावट की गई है। तो अगर आप चैनल पर नए हो यानी पहली बार मेरा व्लॉग देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हें मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग के साथ। दुआ में अपने भाई को याद रखना। अल्लाह हाफिज़।